Hello viewers, Assalamualaikum. How are you all doing? I hope you guys are fine and safe. In today's video, I am describing types of probability sampling. जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बताया था. If you haven't seen it yet, the link is given in the right top corner. Do see the video. Types of probability sampling. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की 5 टाइप्स हैं. फर्स्ट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सेकंड, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. थर्ड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. फोर्थ, क्लस्टर सैम्पलिंग. फिफ्थ, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. Let's start with the simple random sampling. In it, every individual of the population is chosen randomly and by chance. Simple random sampling में हर individual के पास बराबर chance होता है selection का. इसमें selection या तो simple lottery के ज़रिए या computer software के ज़रिए किया जाता है. Let's take an example. अगर आप कोई game खेल रहे हैं and आपको उसमें 2 team select करनी है, तो सबके नाम लिखकर box में डालें and दोनों teams के captain एक-एक करके बॉक्स में से नाम निकाल के टीम मेंबर सेलेक्ट करें. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे आसान टेक्निक है और इसमें लोगों के पहले से अलग ग्रुप्स भी बनाने नहीं पड़ते जेंडर या एज की बेसिस पे, जैसा कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में बनाने पड़ते हैं. पर याद रखिए, इस सैम्पलिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपकी पॉपुलेशन का होमोजीनियस मतलब हमवार होना ज़रूरी है, यानी कि आपकी पॉपुलेशन में यकसानियत होनी चाहिए. सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग lies on having a list of population which should ideally be randomly ordered. इस सैम्पलिंग में पहले पूरी लिस्ट बनाई जाती है पॉपुलेशन की, फिर उसमें से एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट किया जाता है. उसके बाद एक फिक्स पीरियोडिक इंटरवल या फिक्स सैम्पलिंग इंटरवल पे इंडिविजुअल सेलेक्ट किए जाते हैं. मसलन, मेरे पास ये लिस्ट है 12 फैक्ट्री वर्कर्स की, लेकिन मेरा सैम्पल साइज़ सिर्फ 4 है, तो मैं पहले रैंडमली एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करूँगी. जैसे कि इसमें मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया है. अब मैं अपना फिक्स इंटरवल निकाल लूँगी, तो उसके लिए हम अपनी टोटल पॉपुलेशन यानी 12 को अपने सैम्पल साइज़ यानी 4 से डिवाइड करेंगे. इससे हमारे पास हमारा इंटरवल आ जाएगा जो कि है 3. तो अब इस एग्जाम्पल में देखें तो पहला नंबर होगा 2, क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं. उसके बाद हम हर तीसरे इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे, जिसके हिसाब से देखें तो हमारे पास नंबर आता है 5, उसके बाद 8 और आखिर में 11. अब आप अगर इन सिलेक्टेड नंबर्स को गौर से देखें 2, 5, 8 और 11, तो हर किसी के बीच में फ़िक्स इंटरवल है. ये सैम्पलिंग टेक्निक रिसर्चर्स में बहुत मशहूर है इसकी सादगी की वजह से, लेकिन ये टेक्निक आपका बहुत वक्त लेती है. अब चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. इट डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर होमोजेनियस ग्रुप कॉल्ड स्ट्रेटा एंड देन टेक्स अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम. इस टेक्निक में हम पॉपुलेशन को ग्रुप में बांटते हैं उनके जेंडर, एज, एजुकेशन स्टेटस या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो आपकी रिसर्च के लिए आम हो, और उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं स्ट्रेटा का. इसके बाद हर ग्रुप में से रैंडमली सैम्पल सेलेक्ट किए जाते हैं. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग 2 सब टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. सेकंड, डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. द साइज ऑफ द सैम्पल्स सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सब ग्रुप इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ दैट सब ग्रुप इन द एंटायर पॉपुलेशन. Disproportionate stratified sampling. The size of the sample selected from each subgroup is disproportional to the size of that subgroup in the entire population. Stratified sampling के लिए हमें पहले स्ट्रेटा बनाना पड़ता है. तो मान लीजिए कि आपके पास पॉपुलेशन है 1000 स्टूडेंट्स की और आप उनमें देखना चाहते हैं कि मेल और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा क्लास में अटेंटिवनेस किसकी होती है, जिसके लिए आपको सैम्पल 100 का चाहिए. तो आपने मेल्स और फीमेल्स का स्ट्रेटा बना लिया, उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके. आपको पता चल गया कि स्कूल में 600 फीमेल्स और 400 मेल्स हैं, जिससे आपको ये पता चला कि स्कूल में 60% फीमेल्स की है एंड 40% मेल्स है. या ऐसे समझें कि 3-2 का रेशो है, तो अगर उसी बेसिस पे सैम्पल लेते हैं यानी 600 का 60 और 400 का 40, तो ये प्रोपोर्शनेट सैम्पल कहलाएगी. लेकिन अगर हम 40% की बेसिस पे सैम्पल नहीं लेते हुए अपनी मर्ज़ी से फीमेल्स में से 70 और मिरर्स में से 30 ले लेते हैं तो इसका मतलब है डिसप्रपोर्शनेट सैम्पलिंग। और कुछ ज़रूरी बातें याद रखिए कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक में हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है, यानी सब इंडिविजुअल्स का रेशो सेम नहीं होता। और दूसरी बात, इसमें सिलेक्शन रेंडमली होगी। बाकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की टाइप्स की तरह अगर ऐसा ना करते हुए हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे तो वो कोटा सैम्पलिंग कहलाएगी, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप है। Cluster sampling. In a defined population, homogeneous groups are selected instead of individuals and every group is heterogeneous internally. यानी कि इस सैम्पलिंग टेक्निक के लिए रिसर्चर पहले पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करेगा जिनमें कोई सिमिलैरिटी होगी। एग्जाम्पल, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। हमारे कंट्री में सिर्फ 5 क्लस्टर्स के ज़रिए, तो हम हर कॉलेज को एक क्लस्टर के तौर पर कंसीडर करेंगे और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए कोई भी 5 क्लस्टर सेलेक्ट कर लेंगे और वो तमाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करेगा पॉपुलेशन में। अब इसमें देखा जाए तो हर क्लस्टर होमोजीनियस यानी हमवार है, क्योंकि हर क्लस्टर में वो कॉलेजेस हैं जिनमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वो भी सब एक ही कंट्री के हैं। लेकिन क्लस्टर के अंदर देखा जाए तो हर क्लस्टर हेट्रोजीनियस है, यानी इनमें कोई यकसानियत नहीं। मसलन, हर कॉलेज अलग अलग एरिया का हो सकता है या अलग शहर का, और हर कॉलेज में मौजूद बच्चों की उम्र एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे कॉलेजेस में मेल्स और फीमेल्स का रेशो सेम हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, रैंडम सेलेक्शन इज़ प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड फाइनल यूनिट्स फ्राम गिवन सैम्पल। कुछ जगहों पर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप नहीं समझा जाता, लेकिन ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ही टाइप है। इस सैम्पलिंग में हम एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने दुबई में से सेलेक्ट कर लिए क्लस्टर सैम्पलिंग के बेसिस पे, और फिर उनमें से हमने 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए, और फिर उन डिस्ट्रिक्ट में से हमने 1000 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हुए। इस तरह हर सिलेक्शन स्टेज के वक्त अलग सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल करना मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ इट इज़, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड येस, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और सजेशन, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।